वेलकम 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 गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। तो कैसे आप सब? टाइटल तो पढ़ी चुके, सो वी आर इन हरिद्वार। हम सारे के सारे पूरी फैमिली हरिद्वार में है, क्योंकि आज जो हमारे बड़े भैया है नीरज भैया, उनकी इंगेजमेंट है उत्तराखंड में चंबा में, इसलिए पूरी फैमिली आज यहाँ पे है। हम कल आ गए थे अप्रॉक्स हरिद्वार में, ठीक है। आने का मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे ब्लॉग खींचना नहीं था, मैं डायरेक्ट एंगेजमेंट का ब्लॉग दिखाना चाहता था। तो आज है 12th of June, आज भैया की एंगेजमेंट और सारे के सारे हम चंबा जा रहे हैं। अभी 10 मिनट होकर उठ गए, सारे के सारे घने जा रहे हैं कि बस मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे भैया आ जाएंगे उसके बाद मैं भी रहूँगा, उसके बाद निकल जाएंगे। 6:30 के अप्रॉक्स टाइम हो चुका होगा, हाँ 7 बज चुके होंगे। हाँ, हमें 8 बजे तक निकलना है, फिर वहाँ पर पहुँचना है। एंगेजमेंट चंबा में होगी, बाकी कोई लॉन्ग अपना नहीं आ रखा है दिल्ली से, क्योंकि एंगेजमेंट में कमी लोग थे। सारे शादी में आएंगे, शादी में बहुत टाइम है, जब शादी होगी आपको पता लग जाएगा। बाकी चंबा देख के पहुँचते हैं, चंबा चल के पहुँचते हैं, क्या क्या चीज़ है फिर नहा पे। मात्र 2 मिनट लगते हैं हमको नहाने में और हम नहा के हो चुके हैं तैयार। ओके, सो वेयर इज माय क्लोथ्स? ओह, ऑलमोस्ट सभी नहा चुके होंगे, मैं नीचे नहीं गया। ये हमारा सूटकेस इरी मैया, इसमें मेरा कुर्ता कहाँ है? ओके, तो गाइस पहले तैयार हो जाते हैं, उसके बाद व्लॉगिंग करेंगे, नहीं तो गाली खाऊंगा बहुत गंदी वाली, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में, लेट्स गो। तो गाइस अब निकलने की बारी आ चुकी है, सारे के सारे हम तैयार हो चुके हैं। ताई जी, ताऊ जी, बुआ जी, पंकु भाई गाड़ी ले आ रहे हैं, तीनों गाड़ी जा रही है, एक ये जा रही है, एक वो पीछे वाली जा रही है, एक ये जा रही है और एक बाहर खड़ी है। बता क्या रहा है? सारे के सारे हो चुके हैं रेडी, बस मम्मी रेडी नहीं हुई है। मैं बाइक में जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी को वोमिट होती है, तो अगर मम्मी को वोमिट से कुछ भी लगा तो मम्मी को 20 रस्ते में बाइक में बैठा लूँगा, इसलिए मम्मी अभी शूट में साड़ी वहीं जाके पहनेगी। तुम्हारा भाई कुर्ते में एकदम तैयार, मेरी अपनी वाली, ठीक है, चलो चलो चलो, अपने इसमें जाएगा अपाची, मेरी वाली नहीं है, यहाँ पर भैया की किसी दोस्त की थी वो लेके आया, पर चलने में मस्त है, चल आके देख ली मैंने, अब चल आ जाए। और एक हमने इनोवा क्रिस्टा बुक, क्रिस्टा है इनोवा पता नहीं कौन सी है, मुझे तो सारी कैसी लगती है, एक कीचड़ में उछालना, एक ही हमने बुक कर रखी है, इस मतलब कोई एक्स्ट्रा लोग हो तो उनके लिए। अरे रुक जाओ रुक जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये डालना गाड़ी में। बेटा भारी होने लगे हैं, शेड चाहिए, क्या चाहिए ये, इसको क्या कहते हैं, शेड नहीं कहते, अच्छा चश्मा सोच रहे होंगे हम गरीब ना, ये ला क्योंकि पता क्या है धूप आती है यार। तो अब अपन भी चला जाए, यस गियर अप, 1 2, अरे ये तू मत गिर। तो ठीक है गाइस चलते हैं। तो अभी यहाँ पे लेने के लिए रुके और लोगों को, जैसे मुझे बीच बीच में गैप मिलता रहेगा गाइस मैं ब्लॉग बनाता रहूँगा, बाकी मैंने दीदी को बोल दिया बना रहे जा रहे और आ रहे अभी। हाँ अब लग रहा है मैं चार गाड़ी भर जाएगी, उन्हें लग नहीं रहा है चार गाड़ी भरेगी, बाकी मम्मी पापा दीदी बुआ जी, इसमें i10 पंकु भाई चला रहे हैं, वो वाली नीरज भाई चला रहे हैं, बीच वाले हमने बुक कर रखी है, अभी सारे सेट हो रहे हैं, बाकी दीदी ब्लॉग बनाती रहेगी, तो देखते रहना वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं क्या सीन हो रहा है। मेरी तो खोपड़ी खराब हो रही है, सर दर्द हो रहा है, मतलब हेलमेट बाइक का सीन होता था यार, घर से KTM लेके आता मैं आकर, मस्त मोटो ब्लॉक, मगर खैर मोटो ब्लॉक क्या ही बनता, इससे भी अपना काम चल जाएगा, चल भी चल जाए। अभी कुछ निकला ही और यहाँ पे बहुत गंदा ट्रैफिक जाम, बाइक तो आराम से निकल पा रही है पर गाड़ियों पर पीछे, अब देखते हैं कितनी देर में आती गाड़ियाँ, फिर यहाँ से चलते हैं, अपन क्या कर सकता, अपन तो वेट कर सकता है बस। हाँ ये कर लो पहले। तो हे गाइस, अभी अभी हमने देहरादून क्रॉस किया है और देख सकते हैं अब हम पहाड़ों पर पहुंच गए हैं फाइनली। रुको मैं आपको दिखाती हूँ कि आशुका है, वो बेचारा पीछे बाइक पर। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी आधी लोकेशन पे, पूरी नहीं बोलूंगी बिकॉज अभी आगे भी रास्ता है, काफ़ी देहरादून क्रॉस किया है और देहरादून क्रॉस करने के बाद अभी
पता नहीं कहाँ पहुँचे पर कहीं तो पहुँचे हैं। मम्मी पापा मैं और बुआ जी हम सब यहीं पर गाड़ी में जा रहे हैं। नाशु बाइक में आ रहा है बिकॉज मम्मी की तबीयत खराब होती है। आई एम श्योर उसने बताया होगा आपको। जैसे कि देख सकते हैं मम्मी तो ऑलरेडी सो चुकी है। आशु आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। आशु आ रहा है बाइक पे। सो आप लोग देख सकते हैं मम्मी की हालत खराब हो चुकी है और मम्मी को अब बाइक पे भेज रहे हैं। हम बाइक के चक्कर में मैंने मम्मी को बोला कि सूट पहनना क्योंकि साड़ी में नहीं बैठ पाएंगे, हम वहीं जाके चेंज कर लेंगे। और आशु और मम्मी चले बाइक में। आई होप कि अब ना होल्डी जी बाय। आशु अब जा अपनी अपनी स्पीड में, बेचारा इतना स्लो चल रहा था हम लोगों के चक्कर में। चलो मैं भी बैठ जाती हूँ। मेरा सूट बाहर रह गया, एक सेकेंड। So guys, चलो हम भी चलते हैं। आई होप कि मम्मी को अब वॉमिटिंग ना हो क्योंकि अब तो हम बाइक मतलब जिस चीज़ के लिए लाए थे ऑब्वियसली बिठा दिया है। चलो अब बाद में दिखाते हैं। So guys, हम पहुंच चुके हैं सारे के सारे। बचो तेरी। तो हम सारे के सारे पहुंच चुके हैं चंबा जहाँ पे एंगेजमेंट है। अभी मैं गाड़ी लगाने आया था नीचे, सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पार्क करेंगे, कोई ऊपर है कोई नीचे, क्योंकि वहाँ पे जो है चलती सड़क है तो हम खड़ी नहीं कर सकते पहाड़ों को, यू नो कैसा सीन होता है। तो वहाँ पे नहीं खड़ी करी, नीचे आया हूँ मैं। कहाँ पे आया हूँ? अरे मैया एक सेकंड, नीचे आया हूँ मैं चंबा टनल के पास। यहाँ पे गाड़ी लगी पड़ी है, वो रही अपनी, ये पता नहीं अपनी है कि नहीं है, ये अपनी है। बाकी नीरज भैया की तो वहीं पर लग गई थी साइड में, मेरी यहाँ पर खड़ी है थोड़ा पीछे। बाकी मुझे मोटा लेने आ रहा है स्कूटी से, क्योंकि यहाँ से चढ़ाई में तो यही कहीं है बल, बट मैं गया नहीं तो मुझे पता नहीं है। बाकी मोटा आ रहा है स्कूटी लेके, फिर उसके साथ ऊपर चलते हैं, फिर वहाँ का आपको माहौल दिखाते हैं। मोटा ऑलरेडी यहाँ पे है क्योंकि वो दोनों तरफ से, वो लड़की वालों की तरफ से भी लड़के वालों की तरफ से भी, मतलब जो भाभी है हमारी, भाभी का जो भाई है मोटा और वो दोस्त है। तो मोटा कल से यहीं था तो अभी आ रहा है स्कूटी लेके। ठीक है चलते फिर ऊपर। और भाई बाइक में हालत हो गई ख़राब, ऐसा दर्द हो रहा है ना क्या बताऊँ, पैर वैर कमर उमर शोल्डर वोल्डर सब छटक गए। बाकी बट क्योंकि बाइक लाने थी मम्मी को वॉमिट होती है तो बाइक में क्या था थोड़ा सही हो गया। तो अभी ऊपर चलते कुछ खाते की भूख लग रही है, सुबह बस पकोड़े खाए थे फटी पड़ी है। चलते ऊपर देखते क्या सिनेरियो है। तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि जो डीजे चल रहा था उसकी वजह से बैकग्राउंड साउंड मतलब मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मम्मी आते हुए साड़ी पहन के बिल्कुल रेडी तैयार जी। हमारी भाभी भी आ गई थी, ये भाभी के साथ उनकी बहन है, और अब इसके बाद पूजा वूजा शुरू होगी और इंगेजमेंट चालू होगी। तो आइए देखते हैं, मेरे साथ बने रहिए। तो अब केक कटिंग का टाइम हो गया हमारे। कहाँ गए भैया? ये भाभी को छोड़ गए। देखो यहाँ पे भाई की रिंग सेरेमनी हो चुकी है, अब केक कटने जा रहा है दीदी कबू दीदी। दिखाओ दिखाओ अंगूठी दिखाओ। मतलब ऐसे तुम कौन लग रहे हो यार? चलो काटो काटो। अरे वो लाइटर कहाँ है? लाइटर मेरे ही जेब में, ये लो।